में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद भी अब बेसब्री से इंतजार था अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। जल्द ही कांग्रेस नेता इस इंतजार में थे कि जल्द ही पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा और पार्टी आने वाले राज्यों के चुनाव के लिए अपने आप को मजबूती से स्थापित कर पाएगी। लेकिन अब इन सब कयासों पर मानो पानी सा फिर गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष लगातार सक्रिय राजनीति में पैनी नजर गड़ा कर बैठी है। वो इस समय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की हर कोशिश कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके और आने वाले समय में कांग्रेस की नींव और ज्यादा मजबूती से खड़ी की जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस में कांग्रेस के ही नेता आने वाले दिनों में अध्यक्ष पद की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर पार्टी में असमंजस की स्थिति एक बार फिर पनप गई है। कांग्रेस में लगातार अध्यक्ष पद को लेकर मांग की जा रही थी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने अध्यक्ष की मांग उठाई थी कि जल्द से जल्द कांग्रेस में नए अध्यक्ष को नवाजा जाए ताकि पार्टी आने वाले समय में भविष्य की राजनीति को अपने और आकर्षित कर सके। आपको बता दें कि हाल ही में 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर कांग्रेस के नेता ये कयास लगा रहे थे कि जल्द से जल्द पार्टी को मजबूती मिलना आने वाले राज्य के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की मजबूती को एक बुलंदी मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव टाल दिया गया है, जी हाँ, एक बड़ी खबर आज दिन भर ये सामने रही कि जो चुनाव लंबे समय से टलता आ रहा था वो एक बार फिर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना फैसला सुनाते हुए इस चुनाव को टाल दिया है। लगातार 3 बार इस चुनाव को अब तक टाला जा चुका है। कांग्रेस में अंतरिम चुनाव फिर टल गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा, जिसका बाकी सदस्यों ने गंभीरता से विरोध किया। अब कोरोना संकट के बाद चुनाव होगा। कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि कोरोना से उभरने के बाद कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि कोरोना से उबरने के बाद चुनाव पर फैसला लिया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया है कि मौजूदा परिस्थिति में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला लिया कि जून में ना होकर चुनाव आगे बढ़ाए जाए। परिस्थिति को देखकर आगे फिर से तारीख तय की जाएगी। पिछले साल अगस्त से अध्यक्ष पद के चुनाव 3 बार टाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं। इसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था। अभी भी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में ही है। 2019 के चुनाव में हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने स्वयं लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया था और आने वाले समय के लिए एक नए अध्यक्ष की मांग भी उठा दी थी। लेकिन अब सालों बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने इस पद को नहीं दोबारा से अपनाया और लगातार कांग्रेस पार्टी में ये मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द राहुल गांधी या किसी गैर गांधी परिवार को कांग्रेस की अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाए। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल दोबारा खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अभी इस पद को अपनाने के लिए तैयार नहीं है या आने वाले समय के लिए राहुल गांधी ने कोई और रणनीति पार्टी के लिए सोच रखी है। इससे पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, जब बागी नेताओं ने अंतरिम चुनाव की मांग रखी थी। अब सबसे बड़ी धर्म संकट में
सोनिया गांधी आ गई हैं। सोनिया गांधी कई बार कांग्रेस अध्यक्ष पद को ना अपनाने की बात कर चुकी हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के बाद राहुल ने पद पर ना बने रहने की ठानी तो सोनिया गांधी के पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस पार्टी के सामने संकट फिर खड़ा हो रहा है कि वो गांधी परिवार से अलग नेतृत्व को नहीं देख रहा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर सामने आकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे या नहीं, एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव टालना क्या कांग्रेस के लिए आने वाले भविष्य के लिए मुसीबत कर सकता है, या फिर कांग्रेस एक नई रणनीति के तहत पार्टी को सहजने में लगी है, क्योंकि एक और राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका पार्टी की ओर से नहीं छोड़ा जा रहा है। आज ही CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाए। सोनिया गांधी की ओर से एक बार फिर टीकाकरण की सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरा गया, फिर सरकार की कार्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन जब बात अंतरिम अध्यक्ष के चुनाव की आई तो एक बार फिर चुनाव को टालने का फैसला ही सोनिया गांधी की ओर से लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया, क्या कोई आगे की रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के वही नेता हैं जिन्होंने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि जल्द से जल्द कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाना चाहिए, लेकिन आज की बैठक के बाद भी सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए अपना कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। चुनाव में कांग्रेस की मंथन को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सोनिया गांधी ने काफी ज्यादा हार पर भी मंशा की, जबकि हम सभी COVID-19 के साथ व्यस्त हैं, ये बैठक चुनाव परिणाम पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, ये कहने के लिए हम गहराई से निराश हैं, समझ बनाना है, मैं हर पहलू को देखने और बहुत जल्दी रिपोर्ट करने के लिए एक छोटा समूह स्थापित करने का इरादा रखती हूँ। उन्होंने कहा कि हमें स्पष्ट रूप से ये समझने की जरूरत है कि केरल और असम में हम असंग गुंडों को नापसंद करने में क्यों असफल रहे और पश्चिम बंगाल में हमारा खाता भी नहीं खुल सका, ये असहज सबक देंगे, लेकिन अगर हम वास्तविकता का सामना नहीं करते, अगर हम तथ्यों को सामने नहीं रखते तो हम सही सबक नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब हार पर मंथन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया है, देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ फैसला अध्यक्ष पद के लिए लिया जाता है। हालांकि अध्यक्ष पद की लाइन में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना रहता है। प्रियंका गांधी को लेकर भी कई कांग्रेसी नेताओं ने ये मांग उठाई है कि अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस पद को दोबारा से नहीं संभालना चाहते हैं तो जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा को एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहीं कई और कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि गैर गांधी परिवार को भी अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से आज सोनिया गांधी ने अपना फैसला सुना दिया है, वो आने वाले और निकट भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ रणनीति लेकर आता है, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।